नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों से लंबे वक्त से दूर रहने वाली बिपाशा बसु हाल ही में मां बनी है। अपनी बोल्ड अदाओं से हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस हाल ही में मां बनी। एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया और उसके बाद से वह बेबी की पेरेंटिंग में लगी हुई है। बिपाशा बसु ने हाल ही में अपनी बेटी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। नेहा धूपिया से एक चैट शो में बात करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि उनका बीता हुआ वक्त बहुत मुश्किलों से भरा हुआ रहा। उनकी बेटी को भी बड़े मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा। नेहा धूपिया ने बिपाशा से पेरेंटिंग और मम्मी बनने पर सवाल पूछा, जिसका बिपाशा ने जवाब देते हुए कहा कि उनका और उनके पति करण सिंह ग्रोवर का पेरेंट्स बनना बाकी लोगों से काफी मुश्किल रहा। बिपाशा ने कहा कि ऐसा दौर किसी माँ की जिंदगी में ना आए। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी बेटी जब पैदा हुई तो पता चला कि उसके दिल में दो छेद थे और वह काफी बड़े थे। ये जानकारी उन्हें बेबी के पैदा होने के तीसरे दिन ही पता चल गई थी। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी को वेंट्रिकुलर ट्रैपेटोइडल डिफेक्ट है, जिसके बारे में उन्हें कभी सुना भी नहीं था। बिपाशा बसु बताती है, जैसा कि होता बच्चों के दिल का छेद अनुमान बड़े होने के साथ खुद भर जाता है, ठीक ऐसा ही सोचा था, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं और करण किसी से कह नहीं पाए और काफी परेशान हो गए। शुरुआती 5 महीने काफी मुश्किल थे, हर महीने स्कैन कराने के लिए कहा गया। पता चला कि हमारी बेटी के दिल के छेद नॉर्मल से बड़े थे, ऐसे में इनका खुद भरना बहुत मुश्किल था। ऐसे में सर्जरी कराने की डॉक्टर्स ने सलाह दी और कहा कि 3 महीने की उम्र में ही ओपन हार्ट सर्जरी कराना सबसे सही होता है। लोगों ने अलग अलग सलाह दी, लेकिन मैं लगातार रिसर्च करती रही, इसी बीच डॉक्टर से मिलती रही। करण ने इस सर्जरी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं तैयार हो गई थी। ये थोड़ा कठिन था, छोटे से बच्चे को सही समय पर सही इलाज मिला, लेकिन हमें इसके लिए सही फैसला लेना पड़ा। 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। एक्ट्रेस बताती कि वह थोड़ी डरपोक है, लेकिन इस बार वह नहीं डरी। उनके पति करण बहादुर है, लेकिन वह काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। एक्ट्रेस ने बाकी पेरेंट्स को भी सलाह दी कि ऐसी स्थिति में डर के देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चे के लिए सही निर्णय सही समय पर लेना चाहिए। एक्ट्रेस का कहना है कि वह यह उन लोगों के लिए शेयर कर रही है जो ऐसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने भी बहुत सी माओं से सीखा, ऐसे में वह उनके साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती थी ताकि वह सही फैसला ले सके। साथ ही एक्ट्रेस बताती कि उनकी बेटी बहुत बहादुर है और वह ऐसी स्थिति में हंसती खेलती रही। नेहा धूपिया बिपाशा की जर्नी सुनने के बाद रो पड़ी। बिपाशा ने बताया कि सही निर्णय लेने की हिम्मत उन्हें कई माओं से मिली, उन्होंने समझाया कि बच्चों के लिए खड़े हो। बिपाशा बताते कि बेटी के सीने पर स्कर्स है जो कि हमेशा रहेंगे, लेकिन वह घबराएगी नहीं, वह इसे फ्लंट करेगी, उसकी जीत का बज है। एक्ट्रेस ने बात करते हुए पहली बार बेटी का चेहरा भी पूरी तरह से दिखाया। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।